अरे मैं इस बात का विश्वास कैसे कर लूं कि जिन्होंने देवताओं को पछाड़ कर भी धरती पर पटका है, ऐसे वीर मेघनाद का एक वनवासी ने युद्ध भूमि में अंत कर दिया। आज तो मेघनाद के विजय उत्सव का दिन है। तुम सब देखना कि मेघनाद सबसे पहले मेरे पास आएगा। वो महान पितृभक्त है। युद्ध भूमि से विजय पताका लहराते हुए सबसे पहले मेरे पास आएगा और मेरा चरण छू कर कहेगा, पिताश्री मैंने उन दोनों वनवासी भाइयों का अंत कर दिया है, अब अयोध्या के लिए हमारा राज्याभिषेक कीजिए। आज तो उत्सव का दिन है। शोक तुम जाओ और पूरे नगर में मेघनाद के विजय उत्सव की घोषणा करवा दो। जाओ, मेरी आज्ञा का पालन हो। शोक तुम विश्वास खाती हो, विश्वास खाती हो। ये क्या कर रहे हो? अपने हाथों से सभा को मृत्यु दंड क्यों दे रहे हो? नाना श्री, आप सुन रहे हैं, ये क्या कहता है? ये कहता है मेरा पुत्र मारा गया है, उसे मृत्यु आ गई है, परंतु मैं ऐसे सत्य कैसे मान लूं कि मेरे पुत्र को मृत्यु ने मार डाला? अरे मृत्यु मेरी दासी है, वो मेरे पुत्र को कैसे मार सकती है? इनका कहना सत्य है। ओ इंद्रजीत, अब वापस नहीं आ सकता है, वापस नहीं आ सकता। उसे कोई नहीं ला सकता है, बल्कि लंकेश तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार इंद्रजीत को समाप्त किया है। नहीं, 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 ये सत्य नहीं है। मेरा पुत्र बेटा नहीं मर सकता, उसे कोई नहीं मार सकता। अरे तुम सब मेरे सेनानी नहीं हो, मेरे शत्रु से मिलकर मेरा मनोबल तोड़ने आए हो, लेकिन मैं ऐसे नहीं टूटूंगा, नहीं टूटूंगा, नहीं टूटूंगा। शत्रुओं, मैं तुम सबकी गर्दनें उड़ा दूंगा, तुम सबको मृत्यु दंड दूंगा। मृत्यु दंड मुझे भी दो महाराज, मुझे भी मृत्यु दंड दो। मैं भी आज आपसे मृत्यु मांगने आई हूँ। लंका में यदि घर घर और कोने कोने में मृत्यु का तांडव हो रहा है, तो मैं क्यों मृत्यु दंड से वंचित क्यों महाराज? महारानी मंदोदरी, मत कहो मुझे रानी, मत पुकारो मंदोदरी। अरे मैं तो एक माँ हूँ, केवल एक अभागन माँ, जिनके बगिये को फूल को उसी बगिये के माली ने अपने हाथों से नोच डाला महाराज। महारानी मंदोदरी, तुम पागल हो गई हो? पागल हम नहीं, पागल तो आप है लंकापति, जो अपनी वासना के ज्वाला में एक एक की आहुति तरह रहे हैं। आप अपने ही हाथों से अपने पुत्र की बलि तरह देने वाले क्रूर पिता है आप। आज मेरे कोख के अनमोल रत्न सबसे प्राकर्मी पुत्र मेघनाथ को अपने वासना के ज्वाला में झोंक दिया। आज महाराजा रावण के अहंकार के वेदी पर उनके अंतिम पुत्र की बलि चढ़ गया। आज लंका के राज वंश के अंतिम कुल दीपक भी बुझ गया महाराज। आप उत्सव मनाने के लिए सोच रहे हैं ना, आज ही तो उत्सव मनाने का दिन है, यमराज के उत्सव का, मृत्यु का उत्सव का। पर जाओ में जिन माता की गोद सुनी हो गई, जिन स्त्रियों की सुहाग लुट गई, आप अपने सभी पुत्रों के रत्न उस विधवा नारी और उस अभागन माँ में बांट दीजिए महाराज, ताकि वह आपकी जय जयकार किया करेगी। महारानी मंदोदरी, ये कैसा प्रलाप कर रही हो? मेघनाद नहीं मार सकता, उसे कोई नहीं मार सकता। अरे कौन कहता है कि मेघनाद मर गया है? कौन कहता है? महाराज, आकाश में बिजली की तरह करकता और मेघ मंडल की तरह करकता, शत्रु दल से गूंज गूंज कर आवाज लंका के दीवारों से टकराता हुआ जयनाल बार बार यही कह रहा है कि मेरा मेघनाद अब इस धरती पर नहीं रहा, अब वो मुझे माता माता पुकारता, मेरे ममता के अंचल के छाया में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। मैं
महारानी मंदोदरी, आज ही युद्ध का निर्णय हो गया होता, यदि संध्या काल के समय युद्ध विराम की घोषणा न हुई होती तो उन दोनों वनवासी भाइयों का मेरे हाथों आज अंत हो ही गया था समझो, पर सूर्य अस्त होकर उन दोनों भाइयों के प्राण बचा ले गए। सारथी से पता चला युद्ध में एक बार आप मूर्छित हो गए थे महाराज। मूर्छित? महारानी मंदोदरी, जो युद्ध करने जाता है उसे मूर्छा तो क्या, मृत्यु के लिए भी तैयार होकर जाना चाहिए, क्योंकि जो मृत्यु से डरेगा वो युद्ध नहीं करेगा, जो युद्ध नहीं करेगा उसे कभी विजय प्राप्त नहीं होगी। इसलिए जिसे विजय की कामना हो वो जीवन और मृत्यु दोनों को खेल की भांति खेलने को तैयार होकर युद्ध भूमि में जाए, क्योंकि दो योद्धा जब लड़ते हैं तो विजय किसी एक की ही होती है। आपने कहा युद्ध में केवल विजय एक ही के होते हैं, परंतु ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से किसी पराजय न हुआ, तब तो दोनों विजय कहलाएंगे। दोनों विजय कहलाएंगे, अर्थात युद्ध को बीच में अधूरा छोड़कर? नहीं स्वामी, उसे संधि करके। महारानी मंदोदरी, तुम बार बार ऐसा कहकर रावण के हृदय को आहत करती हो। अरे तुम्हारे इन बातों से तो मुझे कभी कभी लगने लगता है कि तुम रावण की रानी कहलाने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वीरता की एक झलक तक दिखाई नहीं देती। वीरता 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 स्वामी, इसे एक शब्द के ओर लेने से मनुष्य के गलत कार्य करने से उसे आदर और सम्मान नहीं मिल जाता। अत्याचार तो अत्याचार ही रहता है, यदि मनुष्य धर्म के लिए लड़ते हैं तो दोनों अवस्था में विजय कहलाते हैं, यदि प्राणी अधर्म के लिए लड़े तो अत्याचारी कहलाता है। जीत जाते हैं तब भी और मर जाते हैं तो लोग कहते हैं उसे अपने किए का दंड मिल गया, उनके सराहना इस संसार में कोई नहीं करता। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मैं आपसे कहना नहीं चाहती हूँ, केवल पूछना चाहती हूँ। पूछो, क्या पूछना है? यह युद्ध आप किसके लिए करेंगे? विजय के लिए। विजय के लिए? उस विजय से आपको क्या लाभ होगा? यश और कीर्ति? उस यश और कीर्ति का गाथा कौन गाएगा महाराज? मेरे मैं आपसे पूछती हूँ कि राक्षस जाति का विध्वंस हो जाने पर आपके विजय पता के लेकर आपके पीछे पीछे कौन चलेगा? हाय, आपके कुल में कोई बचा? आपके पुत्र, आपके भाई, आपके नाती, आपके मित्र कहाँ गए हो सब लोग, जिनके लिए मनुष्य महा से महा पराक्रमी करते हैं? क्या इसी युद्ध के लिए आप अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं? हाँ, आपके विजय उत्सव मनाने के लिए लंका में केवल एक आप और एक मैं बची हूँ। स्वामी, मैं कहती हूँ लंका में जितने लोग बच गए हैं उसे बचा लीजिए और धर्म का मार्ग अपना लीजिए। मैं लंका को फिर से बसा लूंगी स्वामी, मैं आपसे अपनी सुहाग की भिक्षा मांग रही हूँ। महारानी मंदोदरी, तुम्हें अपने सुहाग की चिंता हो रही है, अपने पति के यश की नहीं। आज तुम कहती हो कि मैं सीता को वापस कर दूं, यदि ऐसा करता हूं तो लोग कहेंगे कि रावण ने मृत्यु के डर से शत्रु के सामने घुटने टेक दिया। यदि आज सारे अपमान को सहन करके तुम्हारी बात मान भी लेता हूं तो मेरी आज्ञा पर मेरे सारे भाइयों ने, मेरे सारे पुत्रों ने और भाइयों के पुत्रों ने, सारे लंका के शूरवीरों ने जो युद्ध भूमि में जाकर वीर गति प्राप्त किए, वो सभी मुझसे पूछेंगे कि महाराज अंत में सीता को वापस करना ही था, तो आपने कारण ही मुझे मौत की नींद क्यों सुलवा दिया, मुझे मौत के मुंह में क्यों भेज दिया, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? महारानी मंदोदरी, अरे तुम्हें मृत्यु का भय सता रहा है? मृत्यु तो उस मनुष्य की हो जाती है जिसकी कीर्ति मर जाती है, जो अपने ही हाथों अपनी कीर्ति को धूल में मिला लेता है, शत्रु को युद्ध भूमि में पीठ दिखा देता है, मृत्यु उसकी हो जाती है। और जो अपनी आन पर मरते हैं, शान के साथ वीर गति को प्राप्त करते हैं, यह संसार उसी को याद करता है। आज यदि मेरी मृत्यु लिखी भी है तो उसे मैं गौरव के साथ प्राप्त करूंगा। मृत्यु से पीठ दिखाना
रावण की फितरत नहीं है। मैं मृत्यु के डर से अपने घर में नहीं बैठ सकता। महारानी मंदोदरी, अब मेरे सामने केवल एक ही मार्ग बचा है, मारो या मरो। कल सूर्य अस्त के समय राम का प्राण सूर्य अस्त होकर बचाने गया था, लेकिन आज मैं ठान कर जा रहा हूँ कि आज का युद्ध अंतिम और निर्णायक युद्ध होगा। संध्या होने से पहले युद्ध का निर्णय हो जाएगा। आज या तो सीता सौभाग्य विहीन होगी या मंदोदरी के मांग का सिंदूर उचर जाएगा। नहीं स्वामी, ऐसा सगुन बात मत बोलिए। पुत्र मारे गए, नगर जल गए, लेकिन अब सुहाग गुजरना नहीं देखना चाहती हूँ। अभी समय है, बैर को अंत कर दीजिए, सीता को वापस कर दीजिए और श्री राम से जाकर के संधि कर लीजिए। श्रीमत कहो मेरे शत्रु को। अरे वो वन में भटकने वाला वनवासी छौंकरा श्री कहलाने लगा, मेरी रानी मेरे शत्रु को श्री कहकर संबोधित करिए, मुझे स्वीकार्य नहीं। तुम कहते हो कि बैर काम कर दे। बैर का अंत हो तो कैसे हो? जब तक राम और रावण दोनों जीवित हैं तब तक इस बैर का अंत नहीं होगा। राम या रावण कोई एक मरे तभी ये दुश्मनी समाप्त होगी। आज संध्या होने से पहले हम ऐसे पूर्ण करके दिखाएंगे, आज के बाद लंका में फिर कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई युद्ध नहीं होगा। मैं चला युद्ध भूमि की ओर। स्वामी, युद्ध में जाने से पहले विजय तिलक तो लगाने दीजिए। जो भी करना है शीघ्र करो, क्योंकि आज हमारा अंतिम निर्णायक युद्ध है। शत्रु के साथ हम अंतिम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। अमंगल, अब सगुन। अमंगल कौन सा अमंगल? कौन सा अपशकुन? मैं किसी अमंगल को नहीं मानता। कोई अपशकुन रावण के रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता। कोई भी अमंगल रावण का मार्ग नहीं रोक सकता।